सो हे गाइस, कि आपने भी आपका अपस्टॉक्स अकाउंट क्लोज करने की रिक्वेस्ट डाली थी लेकिन किसी कारणवश इसे रिजेक्ट कर दिया गया है, तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने वाली है। इसके पीछे का मेन कारण यह है कि जो अपस्टॉक्स कंपनी है वो अपने प्लेटफॉर्म पर एक ह्यूज प्रोपोर्शन ऑफ मेंबर्स को अट्रैक्ट करना चाहते थे, लेकिन इसी के लिए उन्होंने एक टीम निकाली, ऑफर निकाला, जिसके अंदर वो जो भी आपका मेंबर है साइन अप करता है तो उसे फ्री फ्लिपकार्ट वाउचर दिया जाएगा। लेकिन काफी लोगों ने इसे लूट पर्पस के लिए यूज किया और काफी सारा फ्लिपकार्ट वाउचर लूट भी लिए, वो काफी लोगों को रेफर कराया और उनसे भी अच्छा खासा अर्निंग किया। सो इन सब चीजों में अपस्टॉक्स कंपनी ने काफी सारा पैसा बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें लगा बहुत बड़ा धोखा और इसके लिए आप पे उतार रहे हैं वो अपना गुस्सा। आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें उनको दिखाई देगा, अगर छोटी सी गलती कर देंगे आपका फॉर्म रिजेक्ट। सो ये मेन मसला है जिसकी वजह से हो जाता है आपका फॉर्म रिजेक्ट और आपके पैसे भी होते हैं बर्बाद। तो अब मैं बताऊंगा अगर आपका भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुका है अब आपको करना क्या चाहिए। सो अब जो नंबर वन स्टेप आपको करना है कि जो भी आपकी अपस्टॉक्स अकाउंट में होल्डिंग पड़ी आपको उन्हें सेल कर देना है इनिशियल रेट पे। सो ऐसे सेल करने के बाद आपके अकाउंट में कुछ बैलेंस आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सेल किया था मेरे अकाउंट में, इसके मुझे मिले कुछ 18 रुपए कुछ पैसे। अब आपको क्या करना है, अब चाहे तो अपस्टॉक्स टीम को मेल कर सकते हैं कि आपकी जो अमाउंट है डोनेट कर दी जाए। मुझे पता नहीं कि आप डोनेट वाला जिम लिख के भेजोगे काम करेगा नहीं, लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने इसके अंदर 100 रुपए और ऐड किए थे। जी हाँ, 100 रुपए और ऐड किए और मेरे अकाउंट में हो चुके थे कुछ 118 रुपए कुछ पैसे, और अगले दिन मैंने उसे अपने अकाउंट में विड्रॉ कर दिया और इस तरह से मेरे जितने भी होल्डिंग की सेल हो गई और जितना मेरे अकाउंट में बैलेंस पड़ा था वो मैंने निकाल लिया। तो अब अगले स्टेप में आपको डी फॉर्म को फिर से फिल करना होगा। सो मैं अपनी एक वीडियो में बता चुका हूँ आपको, ऊपर आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा कि डी फॉर्म को कैसे भरना है। सो डी फॉर्म को आपको अच्छे से भर लेना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसे फिर से कोरियर करना है। लेकिन जी हाँ, आपको मैं एक वीडियो में ट्रिक बताई है मेरी पुरानी वीडियो में कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो भी आप कोरियर कर सकते हैं और आपका अपस्टॉक्स अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। जी हाँ, सो आपको इस आई बटन में और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। सो अगर आप फॉलो करते हैं मेरे बताए गए स्टेप्स को प्रॉपरली, सो आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। जो अपस्टॉक्स टीम है उसके बाद एक ऑप्शन भी नहीं बचेगा आपके एप्लीकेशन द्वारा रिजेक्ट करने का।